बेहतरीन बेहतरीन, नमस्कार आदाब। अभी जो आवाज़ आपने सुनी, अगर उनके लिए मैं ये कहूँ कि हर अकीदत की एक मंजिल है, हर जबी आस्था तलाश करे, ऐसी ही मंजिलों की तलाश में सदियों की विरासत थामे हैं पंडित प्रेम कुमार मलिक, जो हैं दरभंगा ध्रुपद घराने की शान। शख्सियत में आज मुलाकात पंडित प्रेम कुमार मलिक से। ध्रुपद गायकी एक अनमोल विरासत। अठारहवीं शताब्दी से एक सिलसिलेवार तारीख जो शुरू होती है दरभंगा घराने की। जो तानसेन वंश की परंपरा का निर्वाह करते हैं। एक से बढ़कर एक कलाकार इस घराने से आए। इस कड़ी में मलिक एक अहम स्थान रखते हैं। पलक भरियावत सुनो लागे, सुनो लागे वो खुल गलिया चले आओ बजाओ मधुर बसिया। पंडित सुखदेव मलिक, पंडित राम चतुर मलिक, पंडित सियाराम तिवारी और पंडित विदुर मलिक जैसे दिग्गज कलाकार इसी घराने का प्रतिनिधित्व करते रहे। और आज की तारीख में पंडित प्रेम कुमार मलिक हैं इस घराने की शान। पिता पंडित विदुर मलिक और माता राजकुमारी देवी ने उन्हें संगीत की शिक्षा बचपन से ही दी। मात्र 11 साल की उम्र में कार्यक्रम में प्रस्तुति दी और गुणी जनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। 19 साल की उम्र में उन्हें ऑल इंडिया रेडियो पर हुई प्रतियोगिता में तत्कालीन राष्ट्रपति से गोल्ड मेडल भी मिला और तब से लेकर आज तक ये कारवा रवा दवा है। ख्याल तराना भजन गजल की खासियत लिए पंडित प्रेम कुमार मलिक ने अपने घराने की खासियत आलाप तान लय के खूबसूरत मिलन से अपनी एक अलग छाप छोड़ी। अपने गुरु पंडित विदुर मलिक से विरसे में मिली गौहरबानी और खंडरवानी की बंदिशों को उन्होंने बड़े ही जतन से संभाला और उन्हें संगीत जगत के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा राम
अपने इस तवील सफर में पंडित प्रेम कुमार मलिक को बेशुमार अवार्ड्स मिले। देश विदेश में उनके कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां लोगों का मन हमेशा से मोहती रही। अपनी इन बंदिशों को, मेहनत को वो आने वाली पीढ़ी को देने की गरज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े, जहां वो एक गुरु के रूप में नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। उनके बेटे प्रशांत और निशांत मलिक और बेटी प्रियंका मलिक उनकी विरासत को आगे ले जाने की ख्वाहिशमंद है। दाना दाना मैं रो दाना दाना मैं रो। दरभंगा घराने की शान है पंडित प्रेम कुमार मलिक। नींद पलक भरिया। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका प्रोग्राम शख्सियत में। आपका बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे बीच में हैं। और दरभंगा घराने के बारे में तो हम लोगों ने अभी तक के ऐसा कोई कार्यक्रम किया नहीं, आप पहली शख्सियत हैं जो इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे पहले तो कि दरभंगा घराने की खासियत, ख़ासतौर से आप 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कुछ अपने ख़ानदान के बारे में, कुछ अपने घराने के बारे में, कुछ अपने माता पिता के बारे में हमको ज़रूर बताइए। ऐसा है कि मेरे पूर्वजों ने जो ध्रुपद संगीत की तालीम तानसेन की वंश परंपरा से ही, तानसेन के भतीजे भूपत खां जी महारंग से लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने तालीम ली। चूंकि तानसेन की वंश परंपरा से है तो तानसेन के वाणियों में शुद्ध मुद्रा, शुद्ध वाणी के लिए वो उनकी वाणी गौरहार वाणी रही है। और साथ में हमारे दरभंगा घराने की एक वाणी और प्रसिद्ध है जो खंडार वाणी के नाम। इन दोनों वाणियों के बारे में भी बताइए। तो ये वाणी चूंकि तानसेन की जो वाणी है, जो जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये गौरहार वाणी में भी मैंने ये विशेष रूप से उसमें जो स्वर का लगाव होता है जी, वो स्वर में सूत, मीड़, घसीट इनका प्रयोग और आवाज का लगाओ बहुत ही साफ सुथरा, बड़े ही चैनदारी का, और इस तरह से उस गायकी की विशेषता होती है। तो इन दोनों को गा के समझाना चाहेंगे जी? मैं गा के समझाना चाहूंगा। बताइए, पहले मैं गौर हारवानी को जी। रे रे नो रे रे तनु रे रे नु रे रनु ओ रे। तो स्वरों का उसमें विशेष चैनदारी और सूत रेनु रे रेनु ओ। और दूसरी वाणी, दूसरी जो खंडार वाणी है उसमें ओजपूर्ण जो गमक के साथ शब्दों का जो खंड है वो खंडार वाणी की विशेष मायने रखती है उसमें।
जैसे किसी भी अगर मैं अब इसमें अगर शब्दों को मैं डालता हूं तो वो पूरी तरह से खंडार वाणी का मोरा मोगोटा गाना ना गोना ला सोंदरा बाना ना बारी पे प्यारी यादर मुरली सो बे जामा संग राद प्यारी ओ प्यारी मोर प्यारी मोर ओ। ये फर्क है, ये फर्क है। फिर पंडित जी माता पिता के बारे में भी बताइए कुछ। मेरे पिता पंडित विदुर मल्लिक और मेरी माँ राजकुमारी देवी, ये इन लोगों ने मेरा, मेरे लिए ये दोनों सब कुछ हैं। पिता आपके पहले गुरु रहे? हाँ, पिताजी मेरे पहले तो गुरु रहे। सीखने का सिलसिला कैसा रहा? मैं 5 साल या 6 साल का हुआ करता था। हाँ। मैं था। हाँ। तो उस समय मैं उनके माँ के साथ ही सोया करता था मैं। हाँ। तो माँ, जब मैं 4 बजे सुबह में पिताजी रियाज करते थे। हाँ। तो जब नींद खुलता था तो गाना का कान में आवाज आए। हाँ। तो जैसे उधर से आवाज आता था तो माँ कहती थी कि उसी तरह तान और आलाप मैं बिस्तर के अंदर से ही। अच्छा। तो मैं अपने रजाई के अंदर से ही जाड़े के दिन में भी मैं उसी तरह गाता था। हाँ। और धीरे धीरे फिर उठ के मैं कमरे की ओर बढ़ता था। तो कमरे में जाके जब झांकता था तो पिताजी अंदर से बुला लेते थे। हाँ। पकड़ लेते थे। हाँ। इसको लगता है गाने का बहुत शौक है, इसीलिए ये अट्रैक्ट होके यहाँ तक पहुँच जाता। हाँ। फिर पहला बड़ा परफॉर्मेंस कहाँ होता है और कौन कौन सी बड़ी शख्सियतें, कौन कौन से खास लोग वहाँ मौजूद थे जब आपने पहली बार परफॉर्म किया था? ICCR के तहत। हाँ। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ध्रुपद समारोह हुआ जो यूरोप में करीब 20-21 जगहों पे। अच्छा। आयोजन हुआ। अच्छा। जिसमें मैंने अपने पिताजी के साथ हर जगह गायन प्रस्तुत करने का, उस ग्रुप में 3-4 बड़े बड़े मूर्धन्य कलाकार थे यहाँ से, जिसमें पंडित विदुर मल्लिक एंड सन मेरा था, इसके अतिरिक्त पंडित सियाराम तिवारी मेरे घराने के। अच्छा। उनका भी कार्यक्रम था। उस्ताद जिया मोहुद्दीन डागर और फरीदुद्दीन डागर साहब। अच्छा। वीणा और ध्रुपद इनका था, और एक वृंदावन का रास। अच्छा। था जो श्रीवस्त गोस्वामी ने अपने उसमें। हाँ। फतेह कृष्ण जी का लीला गया था। एक यादगार 92 में भारत महोत्सव करके एक हाउस ऑफ वर्ल्ड कल्चर में एक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, जहां विश्व के लगभग सभी बड़े बड़े आर्टिस्ट मौजूद थे। वो पंडित रविशंकर, अली अकबर खां साहब और इमरत खां साहब, जाकिर हुसैन जी और जसराज जी इत्यादि, जितने हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, मतलब हिंदुस्तान सब ने परफॉर्म किया, जिसमें हम लोगों का भी ध्रुपद गायन का। अच्छा। कार्यक्रम था। और ये 92 में हुआ था। और ये हाउस ऑफ वर्ल्ड कल्चर बर्लिन में। अच्छा। हुआ था। इसके बाद फिर 94 में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल BBC प्रॉम्स हुआ था, जो लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में। अच्छा। जो होल नाइट कंसर्ट था 12 अगस्त को 1994 में। अच्छा। जिसमें उस्ताद अमजद अली खान साहब, राजन साजन मिश्रा जी, विश्व मोहन भट्ट जी, दया शंकर जी, तरुण भट्टाचार्य जी, हम लोग, मैं खुद था। तो वो यादगार पल था कि जब हम लोग, वर्षा ऋतु का समय था, राग मियां मल्हार जो है हम लोग गा रहे थे। हाँ। गाने के बाद जब स्टेज से उतर के आए तो उस्ताद अमजद अली खान साहब ने। हाँ। ये बहुत खास पल था। हाँ। मेरे लिए। हाँ। आके और ग्रीन रूम में पिताजी को, हम लोगों को आके बताया कि पंडित जी, ऐसा लग रहा था जैसे अकबर बादशाह के दरबार में मियां तानसेन का ध्रुपद गायन चल रहा है। क्या बात है। इस तरह से आपका ध्रुपद गायन का आनंद मिला। डागर घराना और दरभंगा घराना, इन दोनों का के बीच में फर्क क्या है? हमने चार वाणियों का जी जिक्र किया था, गौरहार वाणी, खंडार वाणी, डागरू वाणी, नौहार वाणी। तो डागरू वाणी में डागर की जो आलाप का परंपरा है, आलाप के करने का ढंग है, और बंदिशों में जो उन लोगों का
अपने जो अपने पूर्वजों से उन लोगों ने सीखा, उनकी बंदिशों में कुछ बंदिश तो सब अलग अलग रूप का है। कभी उनकी बंदिशों में अगर शिवजी का वर्णन है तो कभी मेरे में राधा कृष्ण की बंदिश, उस राग में मैं किसी दूसरे पद को गाता हूँ, वो अपने किसी दूसरे पद से उसको सुसज्जित करते हैं। तो गायकियों का फर्क खास फर्क है, है। पंडित जी आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने आपके आज तक के सफर को देखा है, उनकी राय हमने इस कार्यक्रम में लिया, मैं चाहूंगी आप उन्हें देखें और फिर अपनी राय हमें जरूर दें, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं वासिफुद्दीन डागर, हमारे बहुत पुराना ताल्लुक है, उनके पिता पंडित विदुर मलिक जी और मेरे पिताजी उस्ताद नसीर फयाजुद्दीन डागर और मेरे ताऊ जी उस्ताद नसीर जहीरुद्दीन डागर, उनसे ही बहुत पहले से संबंध है और पहले और भी पीढ़ियों से हम लोग का काफ़ी ताल्लुक़ है। और ध्रुपद को वो रिप्रेजेंट करते हैं और गोवार वाणी और दरभंगा घराने के तो हैं, और गोवार वाणी जो चार वाणी है, मैं टागर वाणी को मैं हम लोग का हमारा परिवार करता है, और इस तरह से गोवार वाणी को वो रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो शुद्ध तरीके से जो उसकी प्रस्तुतिकरण है, उनके घराने के जो उसूल हैं उसको वो बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। और यही नहीं, वो बल्कि अच्छे स्टूडेंट्स भी वो तैयार कर रहे हैं, उनके दोनों बेटे भी बड़े अच्छे गा रहे हैं, और इसके अलावा उनकी बेटी भी, उनको भी उन्होंने सिखाया है। अल्लाह करे, परमात्मा करे कि आप उनको बहुत ऊंचाइयां मिले। प्रणाम पिताजी, आपका संगीत, आपकी साधना, संगीत में योगदान और नित्य प्रतिदिन कुछ नई सोच ध्रुपद को आगे बढ़ाने की हम दोनों को बहुत कुछ सिखाती है। आज हम दोनों भाई जो कुछ भी हैं आपके आशीर्वाद से हैं, आपने हमें बचपन से वो संस्कार दिया कि हम अभी तक जो कुछ भी कर पाए हैं वो सिर्फ आपकी देन है। आप एक पिता ही नहीं, हमारे लिए एक भगवान के का रूप हैं, और इसी तरीके से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हम प्रभु से ये कामना करते हैं। विश्व में ध्रुपद संगीत को जितना आपने बढ़ाया है उसको और आगे बढ़ाएँ और आगे ले जाएँ, और हम दोनों भाइयों को अपना आशीर्वाद दें, बस इसी की आपसे कामना है। प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए आप? ये क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ध्रुपद तो मुझे विरासत में ही मिला, तो ये लोग भी बहुत लकी थे, बहुत भाग्यशाली थे कि मेरे घर में पैदा लिए। वासिफ साहब तो मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत दिनों से जैसा उन्होंने बोला और उनका ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उनके वालिद, उनके ताऊ जी, उनके पिताजी से हमारे पिताजी का बहुत अच्छा संबंध था और उसी समय से हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या आपने न सिर्फ अपने बेटों को तैयार किया बल्कि आपके बहुत सारे शिष्य भी हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो उस गुरुकुल के बारे में ज़रूर बताइए जहां आप इतने अच्छे अच्छे शिष्य तैयार कर रहे हैं। मैंने पंडित विदुर मल्लिक ध्रुपद एकेडमी जो इलाहाबाद में स्थापना की, और इसलिए की कि आगे आने वाले भविष्य में बच्चे जो नए नए जो वहाँ ध्रुपद सीखने के इच्छुक भी हैं और बाहर से भी इच्छा जाहिर करते हैं सीखने का, उनकी एक सीखने का और अच्छा आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छी तालीम मिले। क्राइटेरिया क्या है पंडित जी, वहाँ पर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कुछ नहीं, अगर उसका आवाज सुर में है, सुर समझ में आता है, और उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र उसकी इतना हो कि लयस्वर जैसे 10-12 साल का उम्र हो तब से वो शुरू कर दे, जो 7-8 साल 10 साल की ट्रेनिंग में वो अच्छा 20 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में अच्छा एक नवोदित कलाकार, एक युवा कलाकार सामने आ जाए। नॉर्दर्न अमेरिकन ध्रुपद एसोसिएशन से भी आप जुड़े रहे? जी, उसमें ऐसा था कि वो एक बोर्ड है, एडवाइजरी कमेटी है, जिसमें लोगों ने इंडिया से मेरे नाम को भी जोड़ा। अच्छा। और कुछ एडवाइस लेने के लिए कि समय समय पर उनके कुछ कार्यक्रम होते हैं और कुछ नए कुछ योजनाएं, कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है उसके तहत, तो उसमें कि पंडित जी कैसा
कब किसको कैसा रखा जाए, किस कलाकार को बुलाने में, तो एक एडवाइज़र के रूप में मुझे और उस कमेटी के एक मेंबर के रूप में रखा गया कि आप समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देते रहें कि मैं किस प्रकार का आयोजन करूँ करें। कुछ और लोग हैं पंडित जी आपके अपने जिन्होंने अपनी राय दी है, आइए देखते हैं उनका क्या कहना रहा, आइए देखते हैं। नमस्कार, पंडित प्रेम कुमार मल्लिक जी से फिर से भेंट हो रही है कुछ अरसे के बाद। याद आ रहा है वो समय लगभग 35 साल पहले जब हम और आप एक साथ संगीत नाटक अकादमी के युवा कलाकार के उत्सव में भाग लिए थे। मेरी भी एक इच्छा थी कि आपकी कुछ रचनाओं पर मैं अपना नृत्य, कथक नृत्य प्रस्तुत करूं। संभवतः कभी बैठक होगी इस पर और हम लोग कुछ साथ में मिलकर कुछ कर पाएंगे। आपकी कला इसी तरह बढ़ती रहे, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है ये, और ईश्वर आपको लंबी आयु दे। प्रेम कुमार मल्लिक जिनको, जिनका घर का नाम झूना है, हम लोग और झूना जी बचपन से संगीत की में रमे हैं। बाद में मैं दिल्ली आ गया और ये इलाहाबाद में रह गए। पखावज वादक के रूप में ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने पंडित विदुर मल्लिक, उनके सुपुत्र पंडित प्रेम कुमार मल्लिक और उनके दो सुपुत्र जो आजकल इतना अच्छा गा रहे हैं, प्रशांत और निशांत मल्लिक, इन तीनों के साथ, इन तीनों जनरेशनों के साथ मैंने संगत की है और ये मेरा सौभाग्य है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ध्रुपद की परंपरा, दरभंगा घराने की परंपरा जो इन लोगों ने आगे बढ़ाया है, ये और भी आगे बढ़ाएं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं अपने मित्र जयंत जी के विषय में बताना चाहूँगा। बहुत पुरानी बातें, इन्होंने अपनी अपने आप से शेयर किया। सचमुच एक जमशेदपुर में एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था, संगीत नाटक एकेडमी का यूथ फेस्टिवल। अच्छा। जिसमें जयंत कस्तवार जी का और मेरा भी गायन था, ये नृत्य में गए थे। ये युवा के समय का प्रोग्राम हुआ था। उन्होंने अभी अपनी ख्वाहिश भी तो जाहिर कर दी कि अभी वो फ्यूचर में भी आपके साथ। और एक बार उन्होंने सचमुच एक बार वो जिक्र किया था, लेकिन उस समय वो संगीत नाटक एकेडमी के सेक्रेटरी के पद पर थे, बहुत व्यस्त रहते थे। तो मेरे ख्याल से अब मौका आ गया है कि अब आप दोनों एक साथ एक मंच पर दिखें। तो ऐसा उनकी इच्छा जाहिर हुई है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको कभी एक ऐसा आयोजन हो जो हम लोग दोनों साथ मिलके कुछ। कोशिश नहीं पंडित जी, वादा होना चाहिए। नहीं तो वादा तो आमने सामने हो जाएगी। अभी तो मैं उनकी बातों को पुष्टि करता हूँ, अब मैं उनकी बातों में पूरी तरह से अपनी हामी भरता हूँ कि मैं इस काम को करूँगा, अवश्य करूँगा। और डॉक्टर अनिल चौधरी जी जिन्होंने अभी बताया है, सचमुच इनके परिवार से भी बहुत लंबे अरसे से मेरा पारिवारिक संबंध था घराने के लिए। आपने एक किताब भी तहरीर दी जी, किताब के बारे में बताइए। हमारे खानदान में पंडित राजित राम मल्लिक जी, बड़े ही आदरपूर्वक उनका नाम लिया जाता है, जिनके पुत्र पंडित रामचतुर मल्लिक जी हुए, जिनके शिष्य हमारे दादाजी पंडित सुखदेव मल्लिक हुए। तो इन लोगों ने काफ़ी रचना किया, तो राज प्रेस से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई थी जिसके तहत काफ़ी बंदिश थी, लेकिन उसकी स्वर लिपि नहीं थी। स्वर लिपि जो आज के युग में काफ़ी लाभकारी होता है कि कोई भी बंदिश उठानी हो जी, तो उसको आप स्वर लिपि से करके उसको गा सकते हैं। दिली ख्वाहिश थी कि इस तरह का कोई मेरे घराने के विषय में जो एक व्यवस्थित स्वरूप का एक कोई पुस्तक आ जाए, तो इसलिए मैंने दरभंगा घराने की पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास, जितने कलाकार हुए उनके विषय में पूरी जानकारी, उनका जीवन परिचय और कुछ 75-80-100 बंदिशों का स्वरलिपि, ध्रुपद धमार और सुलताल, जितने भी प्राचीन चीज थी उसको मैंने उसमें सुसज्जित करके और किताब एक लिखा। जिसको, जो किताब का नाम, जिसका नाम है दरभंगा घराना एवं बंदिशें। अच्छा, मैंने सुना है पंडित जी कि आपके पास बड़ी पुरानी बंदिशें हैं,
जो एक बहुत बड़ा खजाना भी है अगर देखा जाए तो, जी, जी. बेशकीमती खजाना जी. तो उसमें की कोई एक पुरानी बंदिश अगर आप सुनाना चाहें तो. एक वीर रस की मैं बंदिश सुनाना चाहूंगा. जब चढ़त गढ़ लंक पर को भी दशरथ सुवन सहित गिर राज भुवदरादर कपत. जब चढ़त गढ़ लंक पर को भी दशरथ सुवन सहित गिर राज भुवदरादर कपत. जब चढ़त गढ़ लंक जब चढ़त जब चढ़त जब. बहुत ही खूबसूरत. चलते चलते मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जितनी खूबसूरत शैली है ये ध्रुपद गायकी, इसको संगीत जगत में वो मकाम नहीं मिला जिसके ये सही मायने में हकदार थी. आपको कहीं अफसोस होता है और आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा? जो ध्रुपद संगीत है ये हमारी सबसे प्राचीन शैली यही है, तो इसको करने के लिए काफ़ी धैर्य की आवश्यकता है, थोड़ा समय देने की ज़रूरत है. आजकल लोग बहुत थोड़े थोड़े समय में हर काम को करना चाहते हैं, वो ऐसे तो बहुत मुश्किल होता है. तो चलते चलते आपकी पसंद का मैं एक गीत ज़रूर जानना चाहूँगी जो आपको बेहद पसंद हो. जब दीप चले आना जब शाम ढले आना संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार ना विसराना. जब दीप जले आना जब शाम ढले आना. बहुत शुक्रिया पंडित जी, आज आप शख्सियत में तशरीफ लाए, आपका बेहद शुक्रिया. तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही, ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला शख्सियत में जारी रहेगा. इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब.